और डिफैम, कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे चॉकलेट सिरप, या फिर आप इसे चॉकलेट सॉस भी बोल सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी ली थी। और अब हम डालेंगे पानी। तो जितनी हमने चीनी ली थी उससे हमें डबल पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सॉस का मेन इंग्रेडिएंट, जो है कोकोआ पाउडर। मैंने अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर ली है। आपके पास जो भी कोकोआ पाउडर अवेलेबल होगी आप वो ले सकते हैं। आजकल कोकोआ पाउडर किसी भी ग्रोसरी शॉप पे और सुपरमार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। और ये कोकोआ पाउडर मुझे मिली थी मेरे घर के पास के सुपरमार्केट में, एंड आई गेस ये मुझे कुछ 60 रुपीज़ की 50 ग्राम मिली थी। तो हम इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो कोकोआ पाउडर की जगह पर 50 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी डाल सकते हैं। एक तो आप चॉकलेट को ग्रेट करके डालिए, नहीं तो उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालिए, जिससे वो अच्छे से जल्दी मेल्ट हो जाए। मैंने आज आपके साथ वही रेसिपी शेयर की है जिससे सच में चॉकलेट सॉस बनता है, लेकिन बिना चॉकलेट के अलग तरीके से भी चॉकलेट सॉस बनती है। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। कोकोआ पाउडर और शुगर अच्छे से डिजोल्व हो चुके हैं पानी में। अब हम इसे एकदम लो फ्लेम पर पकाएँगे। ये इतनी झटपट बनने वाली चॉकलेट सॉस है कि जब भी आपका मन करे आप इसे बस 5 मिनट में बना सकते हैं। तो हमें इसे ऐसे चलाते रहना है जब तक इसमें एक अच्छी सी उबाल ना आ जाए। चॉकलेट सॉस और चोको चिप्स की रेसिपी के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी आए थे, तो इसलिए मैंने आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो हमारे सॉस में अच्छे से उबाल आने के बाद मैंने 1 चम्मच बटर डाला है। ये मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। अगर आपके पास बटर नहीं है या फिर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको घी भी नहीं डालना है तो आप 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बटर, घी या फिर ऑयल हमारे सॉस को अच्छे से ग्लेज देगा, चमक आएगी सॉस में। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं घी, बटर या फिर ऑयल। बस अगर आपने बटर नहीं डाला होगा तो 1 पिंच जितना सॉल्ट डाल दीजिएगा और हमारा सॉस रेडी है। हमें इसमें ऐसे बबल्स आने तक इसको पकाना है, और जब ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 इन्ग्रीडियंट्स से बना हुआ इतना अच्छा चॉकलेट सॉस, रिच चॉकलेट सॉस रेडी है। आप इसे आइसक्रीम्स के ऊपर डालकर खा सकते हैं, मिल्कशेक्स में डाल सकते हैं। मिल्कशेक में तो चॉकलेट सॉस डालना मतलब कॉमन सी बात है आजकल। और ब्रेड के साथ लगा के इसको ब्रेड चॉकलेट सैंडविच भी बना सकते हैं। और आप इसे केक के ऊपर एज अ गनाज भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, मैं आपके साथ इसकी बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी और सबको बहुत पसंद आएगी। सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं आपके सभी के रिक्वेस्टेड वीडियोज़ को जल्द ही अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, चोको चिप्स की रेसिपी भी जल्दी आने वाली है। आज की रेसिपी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।